आज मुस्लिम पाशा पेट माजी नगरसेवक पीर अहमद शेख साहब के घर के बाजू में रोड काम का उद्घाटन हुआ है। यहाँ पर 15 लाख की पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन, नगरोत्थान योजना और नगर विकास योजना के अलावा यहाँ पर भांडवली निधि 5 लाख रुपए रियाज कराती के बजट से रास्ते का काम का उद्घाटन आज हुआ है। जिस तरह से मैंने जो जो वादे मुस्लिम पाशा पेट वालों से किए थे पूरे कर चुका हूँ, और आने वाले दिनों में भी अगर चुन कर आया इंशाल्लाह तो बाकी बचे कुचे काम भी इंशाल्लाह पूरे होंगे। और कुछ लोगों ने यहाँ के काम को रुकवाने की बहुत सारी कोशिश की, जैसा कि हमारे साथ में के एक नगर सेविका ने यहाँ के लोगों को फोन कर कहा था कि मुस्लिम पाशा पेट जिंदा शाह मदार चौक के ड्रेनेज का काम रुकाओ। उनकी कॉल रिकॉर्डिंग भी है और इंशाल्लाह वो कानपुरती सर जिनके पास कॉल रिकॉर्डिंग है, जिनको फोन कर बोला गया था कि काम रुकवाओ, वो कॉल रिकॉर्डिंग इनकी इलेक्शन में वायरल होगी और इनको मुस्लिम पाशा पेट की माफी मांगना पड़ेगा। अरे आपको मुस्लिम पाशा पेट के वोट चाहिए फिर काम कोई रुकवाना चाहते? सबसे ज्यादा काम अगर किसी ने किया है तो रियाज खरादी ने किया है। बड़े बड़े काम किया हूँ, किडवाई चौक से लेकर जिंदा शाह मदार चौक, पद्मशाली चौक रास्ता 87 लाख रुपए, साने गुरुजी हॉल पास 25 लाख का कॉन्क्रीट काम, पीर अहमद शेख नगर सेवक साहब के घर के बाजू में 15-20 लाख का काम, कोंडवाड़े में 50 लाख का काम, शनिवार पेट में 25-30 लाख का काम, इस तरह से लाखों रुपए का काम रियाज करादी ने किया है। और आप जो लोगों के सामने आकर बोल रहे हैं कि मुस्लिम पाशा पेट में 1 रुपये का भी काम नहीं हुआ, तो ये गलियां क्या मुस्लिम पाशा पेट में नहीं है? ये यहाँ के रहने वाले मुस्लिम पाशा पेट के लोग नहीं है? ये लोग सब आपके सामने जो झूठ बोल रहे हैं इनका पर्दाफाश होगा, इनकी पोल खोल होगी। मुस्लिम पाशा पेट का जितना काम रियाज करादी ने किया है उससे अगर 50% काम भी किसी नगर सेवक ने किया है तो मैं इलेक्शन में नहीं खड़ा रहूंगा और आपके सामने भी नहीं आऊंगा। और जो लोग शोबाजी कर शाइनिंग बाजी कर कहाँ पर फोटो निकाल दे, अगर झाड़ू वाली साफ सफाई काम कर्मचारी साफ सफाई करती वहाँ पर जाकर फोटो काटते, ड्रेनेज वाला रोडिंग करता है वहाँ पर जाकर फोटो काट कर डालते कि विकास काम कर रहे, विकास काम इसको नहीं करते। लोगों की तकलीफ को दूर करना, वहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर पानी का प्रॉब्लम था, लाइन डालकर पानी का प्रॉब्लम दूर किया। और यहाँ के लोग हम पर पत्थर भी मारे थे, गालियाँ दिए, गालियाँ खाने भी रियाज करा दिया और काम करने भी रियाज करा दिया। इस तरह से लोगों ने मुझे काम करने का मौका दिया, मैं लोगों को फिर एक बार गुजारिश करूंगा और एक मौका दो, इंशाल्लाह वार्ड का विकास सोलापुर शहर देखेगा।